let it hang, hang. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड फैशन आरपी। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही इजी स्टाइल के बर्गर्स, जो कि बहुत ही इजी तरीके से आप घर में बना सकेंगे। चले हम वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम 2 एग्स ले लेंगे, हाँ जी। ये हम 2 बर्गर्स की तैयारी कर रहे हैं। इसमें मैं टू टीस्पून शिमला मिर्च ऐड करूँगी और 2 टीस्पून ही मैं बंद गोभी इसमें डालूँगी। वन थर्ड टीस्पून नमक, 1/3 टीस्पून काली मिर्च, 1/4 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें मैं कॉर्नफ्लोर ऐड करूंगी और 1/2 टीस्पून चिकन पाउडर। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा अंडा मिक्स हो चुका है अच्छे से, हाँ जी। अब हम अंडे को फ्राई कर लेंगे। मैं ये रिंग रख रही हूँ यहाँ पे, ये बर्गर के साइज़ का मैंने रिंग ले लिया है। इसी में मैं अंडा, ताकि बिल्कुल गोल अंडा बने। फ्लेम हमने मीडियम लो पे रखना है। साथ ही मैं इसमें शामियां भी डाल दूंगी। शामीस पे मैं अंडा लगाकर और इसको फ्राई होने रख दूंगी। इसकी डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दिया है। शामीज वो मैंने छोटे साइज़ और बड़े साइज़ दोनों ही बना के रख ली थी। आपने जब भी बर्गर बनाना है तो उसकी शामीज थोड़ी बड़ी रखनी है, जो साइज़ बर्गर का होता है उसी साइज़ की आपने शामी रखनी है। अब मैं वो फ्राई कर रही हूँ। इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, तकरीबन 2 मिनट एक साइड पे, 2 मिनट एक साइड पे। हमारा अंडा एक साइड से फ्राई हो चुका है, इसको हम ऐसे पलट देंगे। चलिए हम रिंग निकाल लेते हैं इसका। ऐसे पलट लेंगे। हमारी शामीज भी फ्राई हो चुकी है एक साइड से। हाँ जी, मैं दूसरा अंडा भी बना लूंगी इसी में। मैं इसी रिंग में अंडा डाल दूंगी। शामीज हमारी डन हो चुकी हैं, इनको मैं निकाल लूँगी और ये अंडा भी निकाल लूँगी। हम अपने बंस को थोड़ा सेक लेंगे। मैंने 2 टीस्पून केचप ली है, इसमें 2 टीस्पून ही मैं इसमें मेयोनेज़ ऐड कर दूंगी।
मस्टर्ड पेस्ट। हाँ जी, मैंने इसमें 2 चम्मच ही मेयोनीज ऐड कर ली है और 1/2 टीस्पून मैं इसमें मस्टर्ड पेस्ट मिक्स कर दूंगी। इनको अच्छे से हिला लेंगे। ये हमारी बर्गर्स की सॉस रेडी हो चुकी है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं बर्गर्स पे लगा दूंगी। हाँ जी, सॉस हमारी स्प्रेड हो चुकी है। अब हम सलाद के पत्ते लेंगे। अब हम इस पे एक शामी लगा देंगे और जो हमने अंडा बनाया था वो भी इसके साथ ही लगा लेंगे। बन के दूसरे साइड्स पे भी हम ये मेयोनीज और केचप का जो हमने सॉस रेडी किया है वो लगा लेंगे। आप चाहें तो इसमें आप प्याज भी ऐड कर सकते हैं, अगर खीरा डालना चाहें तो खीरा भी ऐड कर सकते हैं। ये जी हमारे इजी बन कबाब बिल्कुल रेडी हैं और बहुत ही आसान सी रेसिपी है जो इजीली आप फॉलो कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत ही आसान है। घर में जैसे शामी आप पहले से उस फ्रीज करके रख लिया करें, सिर्फ शामीज निकाली और अंडा डाला और आपका बर्गर्स रेडी हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं फिर हाज़िर होंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।